नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। ये बात करते हैं फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन हम कहाँ कामकाज कर सकते हैं, और हमारी एनालिसिस जो मंडे के लिए था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी क्या एनालिसिस थी फिन निफ्टी के बारे में, तो दोस्तों क्लियरली कहा था कि 19,500 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलेगा तो हमारी बाय की पोजिशन रहेगी 19,500 के पास में। कॉल की साइड में हम बैठेंगे, ऊपर में हमारे फर्स्ट टारगेट थे 19,590 और सेकंड टारगेट थे 19,620। तो अगर आप देखते हो तो फर्स्ट ही यानी कि यहां से मार्केट ने आपको एक शानदार अप मूवमेंट दिया और 19,590 का एग्जैक्ट हाई नियरली लगा के आपको प्रॉफिटेबल बनाया। और दूसरी ट्रेड भी अगर आप लेते हो तो भी यानी कि आपका यहाँ पे शानदार प्रॉफिट कॉल साइड बना। हाँ, सेलिंग का प्लान ऊपर के लेवल के आसपास था, जैसे ही ऊपर मिलेगा तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे, अदरवाइज बड़े गैप अप और गैप डाउन का उसके अंदर कोई था नहीं और मार्केट है सच कोई बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुला नहीं। तो कल हीरो जीरो दो, तो कल की हीरो जीरो तो डेफिनेटली मैं दूंगा ही, साथ में एनालिसिस कर लेते हैं कि अब जो ये कंटिन्यूअसली तेजी थी ये तेजी खत्म हो गई है या फिर अभी कंटिन्यूअसली तेजी है। तो दोस्तों आपको समझाऊं मैं, तो ये वाला जो चार्ट है ऊपर के लेवल से नीचे की साइड में गिरावट का फिबोनाची है, यहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, इस पॉइंट से गिरा यहां तक गिरा और अब इसने पुल बैक दिया। तो ये पुल बैक करीबन 0.786 से ऊपर इसने पुल बैक दिया, यहां तक पुल बैक दे दिया, अब मे भी एक डाउनफॉल की तरफ मार्केट जा रहा है। ठीक है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे की साइड जाए। अब है सिचुएशन दूसरी साइड की, ये था आपका ऊपर से नीचे की साइड कि भाई ऊपर से मार्केट गिरा तो नीचे से ऊपर की साइड में पुल बैक कितना दे सकता है। एक्चुअल में दोस्तों कि आपको बताऊं कि अगर आपका जो मार्केट नीचे से गिर रहा है और पुल बैक है ना, पुल बैक आपका 0.618 तक अगर आता है तो फिर फर्दर डाउनफॉल देता है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका मार्केट अगेन यानी कि नेगेटिव है, अभी भी यानी कि आपका मार्केट नेगेटिव है। लेकिन एक चीज समझना कि अगर मार्केट वापस आपका 0.786 का लेवल अगर टच कर देता है और वहां पे सस्टेन करता है तो यहां से क्या है कि आपका जो ट्रेंड है वो हो जाता है चेंज। तो क्या सही में ट्रेंड चेंज हो गया, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई हालांकि, लेकिन हाँ नियरली इसके ऊपर की साइड जाके फिन निफ्टी आया था। तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि नीचे से अभी जो इसने गिरावट दिखाई है, अब यहां से इस पॉइंट से इसने कितना वापस आपका पुल बैक दे दिया। तो ये चीज अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने एग्जैक्ट 0.328 जो फर्स्ट पुल बैक का जो एरिया होता है वहां से मार्केट आपका एक बढ़िया बाउंस, जैसे कि आपका ये कल का फ्राइडे का जो गैप डाउन था वहां पे एग्जैक्ट उसी पॉइंट से आपके अप मूवमेंट दी। ठीक है, दूसरी भी यानी कि अगर आप देखते हो तो नियरली आपका अगेन उसी टाइम के आसपास मतलब 19,485 के आसपास से वापस एक अप मूवमेंट दी। हाँ, अगर ये वाला लेवल तोड़ता है मतलब 19,460 का अगर लेवल तोड़ता है तो फिर ये ज्यादा से ज्यादा आपके नीचे की साइड में कहा 0.50 की तरफ जाने लग जाएगा, और 0.50 की तरफ एक करेक्शन करके मे भी एक माह से अप मूवमेंट दे दे। तो कल किस तरह से एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड कर सकते हैं इसका डिस्कशन कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट में। तो ये एक ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन खींची है, मार्केट का जो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ले रहा है वो हमें नजर आने लग गया है अगर 2 दिन का हम ट्रेंड देखते हैं। तो डेफिनेटली बाय की पोजिशन हमारी रहेगी 19,565 अगर मार्केट आपका इस लेवल के ऊपर की साइड में 19,565 के लेवल से ऊपर की साइड गैप अप अगर खुल के सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली हम बाय की साइड में बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट आपके 19,590, सेकंड टारगेट आपका 19,620, ये दो टारगेट एसएल फिर आपका हो जाएगा 19,550 का। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कल एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करें, अदरवाइज आपके जो कॉल लेके बैठे हो मार्केट अगर साइडवेज रह गया तो आपका जो प्रीमियम है वो डीके होके जीरो होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुली इस तरह का ट्रेड करें और सेल की पोजीशन डेफिनेटली हम इस पॉइंट के नीचे 19,460 के नीचे की साइड में एक पुट ली जा सकती है कम क्वांटिटी में, ये ध्यान रखना लेस क्वांटिटी के अंदर 19,460 का लेवल है, ये वाला लेवल अगर तोड़ता है तो हम एक पुट की पोजीशन और यहाँ पे एक बढ़िया हायर हाई बनाता है तो डेफिनेटली एक बाय की पोजीशन में ही बैठ सकते हैं।
19,460 है, तो 19,450 के एसएल के साथ फर्स्ट हमारी एक बाई की साइड में बैठ सकते हैं 10 पॉइंट का एसएल इंडेक्स पर, और करीबन 5 से 10 पॉइंट के आसपास का अगर आप एसएल देखते हो तो एट द मनी के ऑप्शन के अंदर हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाले, सेम एक्सपायरी वाले के लिए तो मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो उस वजह से ये वाला आपका एसएल वहां काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला लेवल टूटा तो नीचे में 19,420 के टारगेट मतलब 40 पॉइंट के लिए अगर आप इच्छुक हो तो ले सकते हैं। लेकिन अगर 19,420 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर आपको नीचे में 19,350 तक के लिए, 19,300-350 तक के लिए, ये वाला पॉइंट करीबन 19,365 है, तो इस पॉइंट तक के लिए एक पुट की पोजीशन ले जा सकते हो। एसएल फिर आएगा आपका 19,435 का, 19,435। अगर किसी भी ड्यूरेशन में 19,420 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर फर्दर पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। लेकिन क्वांटिटी अभी क्या है कि दोस्तों, क्वांटिटी का रीजन क्या है, क्वांटिटी अपनी स्मॉल रखें, जहां पे आप 4 लॉट लेके ट्रेड करते हैं वहां 2 रखें, और जो 2 लेते हैं वो 1 रखें, और जो 1 लेते हैं वो ऑप्शन में ना घुसें। उसका रीजन क्या है, टाइम डिके, मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में है, इसने बढ़िया एक रैली दे दी, अब थोड़ा यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करके दोनों साइड के मूव रहेंगे या तो ऊपर या नीचे। लेकिन लेवल अगर देखें तो 19,420 के नीचे फिर निफ्टी की क्लोजिंग अगर हो रही है तो फिर नेगेटिव है, पुट की पोजीशंस बनेगी। कहां तक, 19,350, 19,200, 19,200, फिर सीधे सीधे फिर ये वाला गैप पूरा का पूरा फिल करने के लिए नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से पुट की साइड में, हाँ ऊपर की साइड में कहां कौन सा लेक परफेक्ट लेवल आएगा, एक तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी रेस्पेक्ट हो गया, 3 बार इसने इसको टच कर दिया, तो 19,565 का लेवल है, इसके ऊपर की साइड में एक बाय की पोजीशन में बैठ सकते हो। अब है मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक बाय की साइड में बैठेंगे, लेकिन 19,420 का आसपास उसको आने दें, उसके बाद में हमारी बाय की पोजीशन में बैठ सकते हैं। एसएल फिर आपका 19,400 का रहेगा। अब है गैप अप, गैप अप अगर खुलता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है और 19,465 के नीचे रहता है तो डेफिनेटली सेल की पोजीशन 19 या फिर ज्यादा ज्यादा 19,650 के आसपास अगर आता है, इतना बड़ा गैप अप अगर खुलता है तो डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे 19,650 का एसएल रख के पुट की पोजीशन में बैठा जा सकता है। आज भी टेलीग्राम में हमने क्लियरली कह दिया कि कैपिटल सेव करें, कैपिटल अगर आपकी सेव नहीं रहेगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और ये वाले जो एनालिसिस हमारे किए हुए थे तो डेफिनेटली अगर किसी ने किया होगा तो बाय की पोजीशन में ऊपर की साइड में, और ये ट्रेंड लाइन अगर किसी ने खींच ली होगी तो पुट की पोजीशन में भी आपको आप बढ़िया पैसा मिला। हाँ हालांकि मेरी जो 5 एंड 9 EMA की जो क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी है उसने आपको शानदार दोनों तरफ के मूव दिए हैं, इस वाले गेन के ऊपर भी दिए हैं, यहाँ से भी इसी पॉइंट पे क्रॉसओवर भी आपको आइडेंटिफाई हो गया। ये मेरे उसके अंदर ये वाला वीडियो आपके फ्री वाले कोचिंग क्लासेस के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ था उससे बढ़िया मूव दे दिया, इस पॉइंट पे इस कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ तो नीचे की साइड भी बढ़िया मूव दे दिया। तो जो क्रॉसओवर जब हो जाता है और इसी के ऊपर एक फ्लैट चलती रही, ठीक है ना, तो एक फास्ट मूव के लिए, क्योंकि आप और हम क्या है कि एक स्कैल्पर है, आप पोजिशनली उसको लेके बैठ नहीं सकते, तो प्रीमियम डी के अपन को क्या है कि बायर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मोमेंटम कैच, मोमेंटम अगर किसी ने कैच किया तो ये वाला कर लिया, इमिडिएटली पुट की पोजीशन क्रॉसओवर पे देख के ले लिया तो नीचे की साइड मिल गया। क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी देखो, उसको अपनाओ और वो स्ट्रेटेजी आपको शानदार पैसा बना के देगी, वो जरूर देखना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, थैंक यू।